हम हो चुके हैं अभी रेडी और हमने पहन ली है, आपको मैं दिखा देता हूँ, लुंगी और कुर्ता दो पूजा के लिए। पंडित जी भी आ चुके हैं, पंडित जी से आपको मिलवा देता हूँ मैं। और पंडित जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। सब लोग कैसे हो आप? आप तो अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे। प्लीज हमारे पापा का चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब एंड चैनल करना और घंटी के बटन को दबा देना, घंटी के बटन को दबा देना और लाइक भी कर देना, और लाइक कर देना और लाइक करना मत भूलना प्लीज। बाय बाय गाइस। समर गबन की तैयारी चल रही है अभी। पंडित जी आप जय भोले जय शिव कर दो एक बार हमारे सब्सक्राइबर को यूट्यूब चैनल पे। जय श्री महाकाल, पंडित जी ने कर दिया। तो पंडित जी का काम चल रहा है, पंडित जी पूजा की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। सब चढ़ा फूल चढ़ा भगवान को, पापा फूल चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः। कौन सी कथा पंडित जी? शाम सदा शिव भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। एक समय शिव जी और माता पार्वती जी के साथ घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आ गए, वहाँ अमरावती आए। यहाँ के राजा ने बड़ा सुंदर एक शिव मंदिर बनवाया था, शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से बोली कि हे नाथ, आज हम दोनों चौसर खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ, उसी समय उस मंदिर की पूजा करने वाला पुजारी वहां पर आया। पार्वती माता ने उस पुजारी से पूछा कि हे पुजारी जी, बताइए कि इस खेल में जीत किसकी होगी। वह बिना सोच विचार के ही बोल उठा कि इसमें महादेव जी की जीत होगी। अंत में जीत माता पार्वती की हुई और उसे मिथ्या भाषण करने के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया माता पार्वती ने। कुछ समय बाद अप्सराएं वहां पूजन करने के लिए आई, पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी कथा उनको बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, शिव जी महाराज तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। पुजारी जी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्या उपासना पारांत आधा शेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से भगवान शाम्ब सदाशिव की पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। बाद में एक अंग शिव जी को अर्पण कर दे और शेष 2 जो अंग बचे हैं उसको प्रसाद समझकर सभी भक्त जन में वितरित कर दे। इस तरह विधि पूर्वक कर 16 सोमवार व्रत करें और 17वें सोमवार को 5 शेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें, ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए और पुजारी जी यथाशक्ति विधि व्रत करने लगे और रोग मुक्त हो गए। पुनः पुजारी जी व्रत। कुछ दिन बाद माता पार्वती और महादेव उसी मंदिर में आए। पुजारी को देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार माता पार्वती ने भी व्रत किया, फल स्वरूप अप्रसन्न पुत्र उनका कार्तिकेय जी भी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती माता से पूछा कि क्या कारण है मेरा मन आपके चरणों में लगा है। तो पार्वती माता ने वही व्रत कार्तिकेय जी को भी बतलाया और कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उसने भी कारण पूछा, बताने पर विवाह की इच्छा से उसने भी व्रत किया। फल स्वरूप विदेश गया हुआ राजा की राजकन्या का वहां स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसके गले में वरमाला पहनाएगी उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा करके एक और जाकर बैठ गया।
पत्नी ने माला इसी को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। सुंदर पत्नी पाकर सुख से रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य व्रत किया था जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने वही 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए वह व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से आपको मेरे जैसी मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने वही 16 सोमवार की विधि बतलाई। राज कामना से व्रत करने लगा तो राजा के दूतों ने आकर उसे राजकुमारी के लिए वरण किया। आदर पूर्वक विवाह हुआ। राजा का देवलोक होने पर उसी राजगद्दी पर मिली। फिर भी वह इसी व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को तू निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन दुखी देखकर बुढ़िया ने उसको सिर पर हाथ रखकर कहा, तू यहीं रहे और मेरे काम में हाथ बटा। जब सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा तो रास्ते में इतनी जोर की आंधी आई कि पोटली समेत उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वहां से वह एक तेली के घर पहुंची तो उसके जाते ही सारे मटके ऑटोमेटिक चटक गए। उसने भी उसको निकाल दिया। पानी पीने नदी पर गई तो नदी ही के जल को स्पर्श करते ही सारी नदी सूख गई। सरोवर पर गई तो हाथ स्पर्श होते ही सारे तालाब में जल में कीड़े पड़ गए। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। यह सब दशा देखकर ग्वालों ने, वही जंगल में गोसाई जी रहते थे, उनकी सारी कथा सुनाई तो गोसाई जी वहां आकर उसके सिर पर हाथ रखा कि यह आपला किसी आपत्ति की मारी हुई है। वे बोले, बेटी, तू चिंता छोड़कर यहाँ मेरे आश्रम में रहे। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को रानी हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते तत्काल। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस का अपराध से तेरी यह दशा हुई है? वह बोली, मैंने पति की आज्ञा ना मानकर भगवान महादेव के पूजन की सामग्री को शिवालय मंदिर में ना ले गई, उन्हीं का श्राप मेरे ऊपर है। गोसाई जी बोली, बेटी, तू चिंता मत कर, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत किया और व्रत के प्रभाव से राजा रानी को याद आई और दूतों ने उसकी खोज करने भेजा। रानी को आश्रम में देखकर दूत ने राजा को समाचार सुनाया कि रानी आश्रम में है। देखकर राजा स्वयं वहां गोसाई जी के पास कहा गया और बोला कि यह मेरी पत्नी है, इस पर भगवान की कृपा को दृष्टि हुई थी, अब इसकी भगवान पर कृपा हुई है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। गोसाई जी ने राजा रानी को आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष वर्ष 16 सोमवार व्रत को राजा रानी आनंद से करते रहे और रहने लगे। अंत में शिवलोक को वह दोनों प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो कोई भी मनुष्य तन मन धन वाणी इत्यादि कर्म से, सुविचार से, शुद्धि से, विधि पूर्वक भगवान शंभ सदाशिव के 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। बोले शंभ सदाशिव भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम शोमाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। ॐ हर 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 महादेव। अक्षमालाय नमः।
पूजा कथा का हो गया है समापन। पंडित जी जा रहे हैं, पंडित जी को कर दिया विदा। हाँ पंडित जी, हाँ 12 बज गई है। फटाफट से चलते हैं खुशी को छोड़ने। बिल्कुल साथ खुशी पूजा में मदद करवा रही थी, यानी हेल्प करवा रही थी, तो इसलिए वो हो चुकी है लेट। आते उसको फटाफट से छोड़ के स्कूल जल्दी से, क्योंकि उसकी बस चली गई है। तो फाइनली 16 सोमवार की पूजा हो चुकी है। 16 सोमवार पूजा करने के बाद आई फील एज टू गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बता रहा हूँ। आई डोंट हैव द एनी वर्ड हाउ टू एक्सप्लेन इट माई फीलिंग्स दैट, पर रियली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद अब जल्दी से फटाफट ऑफिस के काम पे लग जाना चाहिए। ब्लॉग भी शूट नहीं किया है, ब्लॉग भी शूट करना बाकी है, एडिटिंग भी बाकी है, तो सारी चीज़ें बाकी है। फटाफट से अब लग जाते हैं काम पे, सारी चीज़ें निपटा के। तो गाइस मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ओके, बाय बाय, लव यू।